नंबर आप केस करता है तो विदा लगाने से हमारे ये संख्या डिफरेंस हो जाती है। जब डिफरेंस हो जाती है तो ये नाउन आपका होता है बनाइए। देखिए ये तीन सेंटेंस दिए गए हैं, इनको बनाइए। बहुत अच्छा वर्ड है, भाई बनाइए। क्या हुआ, अब यहाँ पर अनंबर आया। अनंबर के बाद आने वाला बताया मैंने, नाउन जो है काउंटेबल होगा तो प्लूरल फॉर्म में होगा, और बॉय क्या है, काउंटेबल है। जब काउंटेबल है तो क्या हो जाएगा, बॉय नहीं, क्या हो जाएगा, बॉय। और इसी के अनुसार आने वाली आपकी वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर लगा देगा, क्योंकि बॉयज आपका प्लूरल हुआ तो वो भी प्लूरल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सम, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। और क्या है, अब जरा देखिए नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर बनेगा, क्योंकि वाटर दैट इज अनकाउंटेबल। अगर सिंगुलर है तो इसके लिए हमेशा यूज इज यूज करेंगे। चलिए टू थर्ड्स ऑफ द वाटर, जब वाटर है तो सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल होना चाहिए, तो इसके लिए वो भी सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जा सकता है। लॉट्स ऑफ मैन, मैन अब यहाँ पर ये क्या है, काउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म में मैन होगा, और जब मैन होगा तो हैज नहीं, क्या हो जाएगा, है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, बताइए दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। अरे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए जरा, ऐसा नो कमेंट बॉक्स में करिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा, ठीक है भाई, ठीक। चलिए द नंबर पर दे दो, द नंबर पर दे देता हूँ, क्यों आपको भी थोड़ी सी डाउट हो जाए, है ना। देखिए द
नंबर ऑफ बॉय, और इंक्रीजिंग, अब यहाँ पर गलती, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, क्या करेंगे, बॉयज करेंगे, ठीक है भाई, बॉयज करेंगे, क्योंकि इन बॉयज में से ये नंबर डेफिनेट किया गया, और जब ये नंबर डेफिनेट किया गया तो ये जो है इसके लिए यूज कैसे किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में, जब सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा तो आर नहीं, क्या यूज किया जाएगा, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों, इनको चलिए यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और दे देता हूँ भाई, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इनको याद रखिएगा यहीं पर, यदि क्या आ जाए, ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने कह दिया परसेंटेज को लेकर के, किसका परसेंटेज को लेकर के, जैसे कभी कभी पूछ लेता है द परसेंटेज ऑफ, ध्यान रखिए दोस्तों, परसेंटेज ऑफ इलिटरेट, इलिटरेट द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पर्सन इज वेरी हाई, गया ध्यान रखिएगा, ये द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पर्सन इज वेरी हाई, ठीक है ना, तो इनमें कॉन्सेप्ट है, अगर यहीं पर कह दूं 10 या कह सकता हूं भाई 2% ऑफ इलिटरेट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पर, इलिटरेट पर्सन 2% ऑफ इलिटरेट पर्सन पर्सन इज वेरी हाई, अब ये दोनों सेंटेंस करिए, मैं बताता हूँ भाई, दोनों सेंटेंस करिए, बनाइए, बन गया ये दोनों, बन गया ना, ध्यान समझिए, अब जब कभी भी यदि द परसेंटेज दिया जाए, क्या परसेंटेज दिया जाए, तो परसेंटेज देने के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, किसमें, सिंगुलर फॉर्म में है कि नहीं भाई, जरा बताइए, जरा बताइए, आने वाला नाउन, सर नाउन कह दिया क्या भाई, आने वाला वर्ब, ध्यान रखिएगा, आने वाला वर्ब सिंगुलर फॉर्म में, नाउन तो क्योंकि इन्हीं में से, इन्हीं पर व्यक्तियों में से इतना छांटा गया है कि नहीं, तो ये डिफिनेट किया गया यहाँ पर, अब लेकिन यहाँ पर जब 2% दिया गया है तो यहाँ पर इनके लिए वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म, अगर परसेंट दिया जाए तो प्लूरल फॉर्म में, अगर परसेंटेज दिया जाए तो सिंगुलर फॉर्म में, इनको ध्यान रखिएगा भाई, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको, चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन कई तरीके के बनते हैं भाई आपसे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ तक बात है, समझ आ रही कि नहीं, अरे समझ आ रही है, अरे भाई जरा लाइक शेयर करते जाइए, एकदम आप लोग एकदम शांतपूर्वक चुपचाप देख रहे हैं बस, है ना, कहीं भी शेयर नहीं किए अभी तक, तो बिल्कुल लाइक शेयर करते जाइए, बताइए यहाँ तक बातें समझ में आ गई दोस्तों, अभी इसमें आपके 2-3-4 रूल्स और हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल के हैं, है ना, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो कैसा लगा आप लोग, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।